आप आईआईटियंस भी इम्प्लॉयबल नहीं है और आईआईटी में जाने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी? सो ये न्यूज हमें ये बताता है, जो कि न्यूज क्रेडिट जाता है टाइम्स नाउ डिजिटल को, जहां पे ये न्यूज आया था, जिसमें ओवर 7,000 आईआईटी ग्रेजुएट्स रिमेन अनप्लेस्ड इन 2023-24 प्लेसमेंट सीजन। इस वीडियो को अगर तुम्हें पूरा देखना है, पूरी न्यूज जाननी है और क्या इसके पीछे की स्टोरी है कि क्यों ये अनप्लेस्ड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात कि हाउ वी गेट टू नो दिस, हमें ये चीज पता कैसे चलती है कि जो अभी 7,000 स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो कैसे पता चल रहा है कि ये 7,000 बच्चे ही क्यों है जो अनप्लेस्ड है, और ये 7,000 का जो ये नंबर है ये कहाँ से आता है? सबसे पहले धीरज सिंह नाम के एक एल्यूमनाई है जो कि आईआईटी कानपुर के हैं, उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी थी जिसके बाद उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो एकेडमिक ईयर 2023-2024 है वो कंक्लूड हो गया है आईआईटीज में, और उसके बाद 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक अनप्लेस्ड हैं। और ये जो 7,000 फिगर है सारे आईआईटीज से निकाला गया, मतलब 23 जो आईआईटीज हैं उन सब में ये का जो प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स है उसमें से पूरे जो भी 7,000 स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो पूरे आईआईटीज के वो अभी तक अनप्लेस्ड हैं। और ये फिगर हमें स्ट्रगल दिखाता है, ग्रोइंग स्ट्रगल दिखाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी आईआईटी ग्रेजुएट्स में। बचपन में हमें क्या बताया जाता था कि बेटा 10th पास करो, 10th के बाद मैथ्स एंड साइंस लो, फिर 2 साल लग के जेई की प्रिपरेशन करो, एडवांस निकालो, एडवांस निकाल के बाद आईआईटी में जाओगे, उसके बाद तो जॉब पक्की। वो भी जॉब कौन सी, हमें 1-1 करोड़ के सपने दिखाए जाते थे कि 1 करोड़ की जॉब तुम्हें मिलेगी अगर तुम आईआईटी में चले जाओगे तो। पर जो आज का हमें डेटा दिखने को मिल रहा है, मतलब इस प्लेसमेंट करेंट प्लेसमेंट सीजन का, उसमें ये पता चल रहा है कि 7,000 बच्चे जो जॉब लेना चाह रहे हैं वो भी अभी तक अनप्लेस्ड है। सो क्या हमें झूठ बोला जाता था बचपन में कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी आईआईटी में जाने के बाद, क्या एडवांस निकाल लो तुम्हारा करियर पक्का, जॉब मिल जाएगी? क्या ये हमारा एक झूठ बोलता हमारी कोचिंग्स, हमारे पेरेंट्स क्या हमसे झूठ बोलते थे? नहीं। तो अभी इसके अगले सेक्शन में हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों ये 7,000 बच्चे हैं जो अभी तक अनप्लेस्ड हैं, और ऐसा क्या चीज है जो इन्हें प्लेसमेंट लेने से रोक रही है या इनके लिए अपॉर्चुनिटी का एक बैरियर बन चुका है। सो इन रिस्पॉन्स टू द चैलेंजिंग जॉब मार्केट, आईआईटीज अब क्या कर रहे हैं? आईआईटी दिल्ली, बिट्स, आईआईटी बॉम्बे और भी काफी सारे आईआईटीज और काफी सारे कॉलेजेस अब क्या कर रहे हैं, जो कि ये पहले भी करते थे अगर उनके कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रह जाए तो। अब जैसे आईआईटी दिल्ली का पहला सेक्शन तुम पढ़ सकते हो, जिसमें आईआईटी दिल्ली ने अपने एलुमनाई नेटवर्क का असिस्टेंट मांगा है अपने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए, प्लेसमेंट दिलवाने के लिए, जिसमें अप्रोक्सीमेटली आईआईटी दिल्ली में अभी 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी बिना जॉब के हैं, और उसके लिए जो एलुमनाई नेटवर्क से हेल्प मांगी गई है वो मांगी गई है जॉब ऑफर्स के लिए, रेफरल्स के लिए या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ पे कोट करना चाहूंगा मैं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विसेज और एट आईआईटी दिल्ली वी अपील टू यू टू कंसिडर एक्सटेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू आर स्टूडेंट्स। ये अपील की गई है एलुमनाई नेटवर्क से कि जो आप हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक हेल्पिंग हैंड दीजिए, या तो आप जॉब ऑफर कर सकते हैं, जॉब ऑफर दिलवा सकते हैं तो वो ठीक है। रेफरल्स, जैसे काफी कंपनीज में अगर मैं इंप्लॉय हूँ तो मैं अपने कॉलेज में अगर मेरी कंपनी जाती है प्लेसमेंट के लिए तो मैं रेफरल दे सकता हूँ, उसमें कुछ हेल्प हो सकती है, या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ हेल्प हो सकती है। सो ये आईआईटी दिल्ली ने एक मांग रखी है अपने एलुमनाई नेटवर्क के सामने। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसने और आईआईटी बॉम्बे ने भी अपने एलुमनाई नेटवर्क से सपोर्ट मांगा है। बिट्स ने एक पूरा 2 मंथ्स का आउटरीच प्रोग्राम किया, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने अपना प्लेसमेंट सीजन 1 महीने से और बढ़ा दिया है, लाइक एंड ऑफ जून तक चलेगा प्लेसमेंट सीजन। देन उसके बाद अभी भी आईआईटी में भी, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज में 10% ऑफ इस ग्रेजुएटिंग क्लास आर स्टिल जॉबलेस, मतलब 250 कैंडिडेट्स हैं जो जॉब लेना चाहते हैं आईआईटी बॉम्बे से, अब वो अनप्लेस्ड हैं। इसके पीछे रीजन क्या है वो हम नेक्स्ट सेक्शन, इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है जिसमें वी गोपालन राव कहते हैं जो कि वाइस चांसलर ऑफ बिट्स ग्रुप है, उन्होंने बोला है कि ये डिक्लाइनिंग प्लेसमेंट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो नई टेक्नोलॉजीज हाईलाइट हुई है मार्केट में, लाइक चैट जीपीटी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे हम एलएलएम भी बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजीज क्या एक बैरियर बना रही है बच्चों के लिए कि तुम्हें अब प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे, ये टेक्नोलॉजी सीखना ही जरूरी है। क्यों ऐसा, क्यों मतलब एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट क्यों नहीं हो रही है? इसके पीछे गवर्नमेंट्स को सोचना पड़ेगा या कॉलेजेस को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज है, क्यों चैट जीपीटी के आने के बाद, एलएलएम के आने के बाद, या जो बच्चे आईटी में पढ़ रहे थे वो अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं, मतलब उन्हें किसी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं ली जा सकती ये बोल के कि तुम्हें तो टेक्नोलॉजीज नहीं आती हैं।
अगर वो बच्चा सीखने का कैपेबल है, वो सीख सकता है ये सारी चीजें, तो उन्हें ये सारी चीजें कॉलेज में ही सिखानी चाहिए। और जब ये पहले से पता था, काफी टाइम से ही चल रहा है चैट जीपीटी का, एलएलएम्स का, तो ये टेक्नोलॉजीज पे कॉलेजेस को काम करना चाहिए था, बच्चों को भी काफी खुद से काम करना चाहिए था। देन उसके बाद हमें पता चलता है धीरज सिंह ने जो आरटीआई फाइल करी थी, उससे डेटा से ये निकल के आता है कि जो इंक्रीजिंग चैलेंज है वो आईआईटी ग्रेजुएट्स ज्यादा फेस कर रहे हैं। मतलब इससे आईआईटी और बाकी कॉलेजेस को मैं कंपेयर अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इससे पहले आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स थे उनके लिए जॉब पाना इतना टफ नहीं था। तभी हमें बचपन में ये बताया जाता था कि एक बार आईआईटी में चले जाओ, एनआईटी में चले जाओ, या ट्रिपल आईआईटी या कोई भी ऐसे टॉप टीयर वन कॉलेज में चले जाओ तो तुम्हें जॉब इजिली मिल जाएगी। पर आज के टाइम पे ये सिनेरियो नहीं है। आज के टाइम पे आपको खुद पर मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्लस आपके जो इंस्टीट्यूट है उसको भी एफर्ट डालना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट्स को भी नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ये जो 23 आईआईटीज है, इसमें अगर 2 साल पहले हम जाके देखें तो जो डेटा था अनप्लेस्ड स्टूडेंट का वो 3,400 था, और अब अप्रोक्सीमेटली इसका डबल हो चुका है, 7,000 हो चुका है। देन उसके बाद हमें ये चीज पता चलती है कि जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स है जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं वो सिर्फ 1.2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इतना ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट उसमें हुआ नहीं है, डबल इंक्रीज नहीं हुआ है, वो सिर्फ 1.2 टाइम्स हुआ है। पर जो नंबर ऑफ अनप्लेस्ड स्टूडेंट है वो लगभग डबल हो गए हैं। मतलब जो बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं और उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, वो अनप्लेस्ड रह गए, उनका जो नंबर है वो लगभग डबल हो चुका है। और जो बच्चे प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं वो उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है। इसमें क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं तो लैक हुआ है, या बच्चों की तरफ से कह लो, या अपॉर्चुनिटीज जो क्रिएट नहीं हो पाई हैं, या फिर नई टेक्नोलॉजीज का आने का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। पर वो इम्पैक्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि एक आईआईटी ग्रेजुएट को की जो प्लेसमेंट की जो जर्नी है उस पर वो अफेक्ट करे। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें इंस्टीट्यूट्स को भी काम करना चाहिए, अगर ये टेक्नोलॉजीज आई हैं तो इन टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाहिए था, इन टेक्नोलॉजी पे आगे काम करना चाहिए और कोर्सेस बिल्ड करने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिक्वायरमेंट्स है मार्केट की तो उसी पे काम करना चाहिए। सो इस वीडियो में हमें इतना पता चला कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें सिर्फ जॉब चाहिए और जॉब के ही पीछे तुम भाग रहे हो, तो अब आज के टाइम में सिर्फ आईआईटी में जाने से तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और काफी सारी चीजें तुम्हें खुद से भी करनी पड़ेगी। ऑफकोर्स तुम मेहनत करके जाओगे आईआईटी में, पर उसके बाद फिर और मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें ये समझ में आया कि हार्डवर्क हमारा कंसिस्टेंसी से हमेशा होते रहना चाहिए। सो अगर इसके बाद तुम और भी वीडियोस देखना चाहते हो ऐसे करेंट न्यूज सिनेरियोस पे, आईआईटीज पे, एनआईटीज पे, या फिर नई टेक्नोलॉजीज पे, या अभी हम कॉलेज सीरीज हमारा चल रहा है जिसपे हम कॉलेज कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अभी जोसा तुम्हारा होने वाला है काउंसलिंग सेशन, उसमें तुम्हें वो हेल्प करेगा। और काउंसलिंग सेशन में तुम्हें कौन सा कॉलेजेस ऊपर नीचे करना है प्लेसमेंट्स, या अपनी सॉरी प्लेसमेंट नहीं, तुम्हारी रैंकिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से हम वीडियो बना रहे हैं। सो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स, अपने कंसर्न, मैं उसे तुम्हें कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगा। अगर वो इतना लार्ज कंसर्न हुआ, उसको ज्यादा लाइक्स हुए और एक वीडियो डिमांड करता है वो कंसर्न, तो उसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।